देश योगी जी जीते हाँ। और जनता परम आनंद में हो। अत्याचार न हो किसी प्रकार का, जैसे उन्होंने गौ हत्या बंद करा दिया, गौ माता की जय जयकार हो रही है, कार आ रही, सरकार आ गई, आ रही कि बाबा भविष्य के गर्द में नहीं, आ गई। उत्तर प्रदेश का चुनाव बनारस पहुंच चुका है और बनारस में लगातार चुनावी जो सरगर्मी है वो तेज है। बनारस घाटों का शहर कहा जाता है और बनारस में एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ी लोग घाटों पर काम करते हैं, तो चुनावों में भी उसका एक बड़ा असर है। हम जहां पर एक चीज आए हैं, जहां पर आप देखेंगे यहां पर रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, और रामचरितमानस का पाठ इसलिए हो रहा है कि जो चुनाव यहां पर चल रहे हैं, काफ़ी विशेष ये इसलिए है क्योंकि ये पिछले 18 दिन से चल रहा है और डेली बेसिस पे पढ़ा जा रहा है, और पढ़ा इसलिए जा रहा है, ये खुद अभी पंडा जी बताएंगे किस लिए पढ़ा जा रहा है, मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है और चुनावों के लिए किया जा रहा है, इसलिए मेरी जो उत्सुकता है वो यहाँ पर बढ़ी और इसलिए मैं यहाँ पर रुका। पंडा जी अभी देखिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, सुनिए पहले पाठ। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़ उताऊ। ये पाठ जो है वो लगातार इसी तरीके से हो रहा है और गंगा नदी के किनारे हो रहा है, असी घाट है, असी घाट पे ये पाठ लगातार हो रहा है। हम पहले सबसे पहले पंडा जी से ही बात करेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि क्या किस उद्देश्य से ये पूरा सुंदर कांड किया जा रहा है। तो रोक सकते हैं पंडित जी को, रोक सकते हैं, रोक सकते हैं। जल निधि रघुपति जही गिरी चरण देहि हनुमंता चलूं सुगा पाताल तुरंता। भगवान योगी जी जिस समय जहाँ जहाँ पर अपने पदार्पण का रखेंगे वो तुरंत पाताल में चला जाएगा और तुरंत उभर करके उनकी सरकार आ जाएगी, ऐसा वर्णित किया गया है। हनुमान जी इसमें वर्णित किया गया, हनुमान जी के लिए कहा गया है। हनुमान जी कौन है? साक्षात हनुमान जी। अच्छा, ये राम कथा काहे के लिए हो रही, पहले ये बताइए। ये हो रही है कि हम लोगों के सौजन्य में योगी जी आवे, हिंदुत्व का जो है एकदम मनोबल ऐसे ही तेज विराजमान धारण करने वाले हैं, धर्म संस्था प्रचार संभवानी। आप लोग क्या कर रहे हैं, कितने दिन से पाठ चल रहा है? धर्म बचा रहे, ये 17 दिनों से चल रहा है, 17 दिन से पाठ चल रहा है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य योगी जी जीते हाँ। और जनता परम आनंद में हो, जो कि यही जग जाग ही जोगी जामी ये जो है धर्म समाज है, धर्म हिंदुस्तान, हिंदू धर्म जो है उनकी अच्छी रहे और यहाँ से जाए न, यहाँ अत्याचार न हो किसी प्रकार का, जैसे उन्होंने गौ हत्या बंद करा दिया, गौ माता की जय जयकार हो रही है, सब आनंद ले रही हैं, उसी तरह से योगी जी रहेंगे तो धर्म बचा रहे। तो ये पाठ कब तक चलेगा? पाठ ही चलेगा योगी जी जब तक हम लोगों के एक 10 तारीख को सरकार बन जाएगी, बन जाएगी और कन्याओं का यहाँ भोजन कराएंगे हाँ। उसके बाद उनका चरण पखारेंगे हाँ। उसके बाद गंगा को प्रणाम करेंगे, उसके बाद जय जय सीताराम। विश्वास पूरा है? विश्वास पूरा पूरा पूरा। सरकार आ रही, सरकार आ गई, आ रही कि बाबू भविष्य के गर्द में नहीं, आ गई, आ गई, डायरेक्ट आ गई, डायरेक्ट। तो ये अभी भी ये कांड, ये सुंदर कांड कब तक होगा? ये 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पूरा चलेगा, 2 घंटा तक चलेगा। ये रोज हो रहा है, डेली डेली रोज रोज। और उद्देश्य सरकार बनवाने का है योगी जी, योगी जी का, योगी जी का। ये भी एक रूप है चुनाव का, ये भी एक दृश्य है चुनाव का, जहां पर लोग अपनी आस्था के द्वारा अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, भगवान तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। योगी जी का जो काम है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काम है, उस काम के आधार पर यहां पर लोग चाहते हैं कि उनकी सरकार दोबारा आए, और उसी के लिए वो लगातार सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। जो लोकतंत्र की खूबसूरती कही जाती है वो कहीं ना कहीं है कि हर व्यक्ति हर तरह से अपनी बातों को, अपनी चीजों को भगवान तक पहुंचाने और अपने चहेतों को जिताने का काम करने का प्रयास करता है, और वो एक बड़ी झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर गंगा के किनारे सुंदर कांड का पाठ पिछले 18 दिन से किया जा रहा है, कि जिससे कि 10 तारीख को जब रिजल्ट आए
तो मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सामने आए। 10 तारीख को क्या होगा ये समय बताएगा, लेकिन लोगों की आस्था पूरी तरीके से इस पे है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से बनकर आए, और उसी के लिए यहाँ पर खासतौर पर लगातार सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। कैमरामैन रोहित के साथ मैं विक्रम राठौर, ग्लोबल वॉइस, वाराणसी।